हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आईसीएसई मैथ्स क्लास 10th के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर नंबर 5.2। ये क्वेश्चन है, √3x² + 10x + 7√3 = 0। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, 7√3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें क्या आता है, 7√3 × √3 = ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 21 आएगा, यानी कि 7 × 3 = 21। तो हम यहाँ पे ये पुट करेंगे कि 7 + 3 को ऐड करने पे 21, ऐड करने पे 10 आना चाहिए, ये बीच वाला नंबर जो है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो √3x² + जहाँ पे 10x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x + 3x + 7√3 = 0। अब इन दोनों में से लेंगे कॉमन, तो क्या कॉमन लेंगे, x, दोनों में x कॉमन है, तो बचा √3 + 7। ओके, अब इन इसमें से क्या कॉमन है, कुछ तो कॉमन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जो ये 3 है, 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3 = √3 × √3। जो ये वाला जो 3 है वो √3 √3 के इक्वल है, क्योंकि जब हम √3 √3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आएगा। ओके, तब जहाँ पे ये लिखा 3 वहाँ पे लिखेंगे √3 × √3x + 7√3 = 0। √3 + 7 + अब यहाँ पे कुछ कॉमन हो गया ना, √3 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो √3 पूरा बाहर कॉमन आ जाएगा, बचेगा √3, यहाँ पे भी x बचेगा, √3x + 7 = 0। ये दोनों देखिए कॉमन हो गए, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बनी, √3x + 7, फिर क्या बना, x + √3 = 0। अब √3x + 7 = 0 एंड x + √3 = 0। देन क्या होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो √3x = -7, x = -7/√3। ये इस x का आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, x = -√3। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट हो गया। अब 15 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये 15 का सेकंड क्वेश्चन है, √3x² + 5x - 2√3 = 0। स्टार्ट करते हैं करना, इसका इसे मल्टीप्लाई होगा तो 4√3 × −2√3, तो 4 × 2 = 8, √3 √3 = 3, तो क्या आएगा, 24 - 24। यानी कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 24 मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो फिर 8 3 = 24, माइनस है तो माइनस साइन यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा प्लस का 5 आएगा, ठीक है। तो 8 - 3 = 5 है जो हमारा आना है। अब करते हैं, तो 4√3x² + 8x - 3x - 2√3 = 0। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं 4x को, √3x + 2। इस तो ये जो 3 है उसे हम लिख सकते हैं √3 × √3x - 2√3 = 0। तो 4x √3x + 2 - √3 बाहर कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा √3x + 2 = 0। बोथ आर सेम, देन √3x + 2 and 4x - √3। √3x + 2 = 0, देन आंसर विल बी द x =
माइनस टू अपॉन रूट थ्री। सेकेंड इक्वेशन फोर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, देन फोर एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू 3/4 आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे 16 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स माइनस रूट टू प्लस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा। देन एक्स कॉमन कर लिया बाहर, तो एक्स माइनस वन, फिर क्या बचा, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस रूट टू। जब माइनस रूट टू बाहर कॉमन हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स, ये साइन प्लस जो है वो चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस रूट टू, देन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू रूट टू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू होल वन अपॉन ट्वेंटी। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स का एक्स से, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 22 जा 40, 41 प्लस 20। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड विथ 20 इज इक्वल टू 41 एक्स, तो 20 एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 41 एक्स, देन 20 एक्स स्क्वायर प्लस 41 एक्स को उधर भेज देंगे तो माइनस 41 एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस 20 का यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 20 20 इंजा क्या आएगा इज इक्वल टू 400, तो 400 यानी कि 16 इंटू 20 20 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 16 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में से कॉमन होगा तो फिर 4 कॉमन होगा और x कॉमन होगा, तो क्या बचेगा, 4 5 20 5x माइनस 4 4 16। इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे 5, तो माइनस 5 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 5 5 25 और x यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 4, 4x माइनस 5 5x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। 4x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, 4x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/4। यहाँ पे क्या होगा, 5x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/5।